देखिए आज की ताज़ा खबर। दोस्तों इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि मच अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट का टीजर फाइनली हो चुका है लॉन्च। पिछले कुछ दिनों से फिल्म के पोस्टर्स रिलीज करते हुए सुर्खियां बटोरने वाली सलमान खान स्टारर ट्यूबलाइट का सबको बेसब्री से इंतजार था और ये इंतजार खत्म हुआ जब सलमान खान ने अपनी फिल्म का फर्स्ट टीजर रिलीज किया। एंड कहना पड़ेगा कि इस फिल्म को लेकर सभी दर्शक खासा एक्साइटेड हैं। टीजर ने भी उनकी उम्मीदों को बरकरार रखते हुए हर उन बारीकियों को उतारा है जिसका हम सबका इंतजार था और डायरेक्टर कबीर खान ने हमारा इंतजार बर्बाद नहीं होने दिया। टीजर में सलमान को एक मंदबुद्धि यानी स्लो लर्नर के फॉर्म में दर्शाया गया है और सलमान ने जिस सादगी और अदब से इस रोल को निभाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। टीजर में सलमान और सोहेल का भाईचारा भी बड़ी बखूबी ढंग से दिखाया गया है। और हाँ, फिल्म के मेन हाइलाइट्स रहे कबीर खान द्वारा इंट्रोड्यूस हुए मैटिन रे टांगू और बेहद खूबसूरत जुजू। टीजर के इस धमाके के बाद अब बस यही देखना बाकी है कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी। अपने विचार हमें जरूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। साथ ही जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज के बाद से ही हर रोज नया रिकॉर्ड दर्ज करवाते ही जा रही है और रोज उसी रिकॉर्ड को एक और नए रिकॉर्ड के साथ तोड़ भी रही है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ प्रभास की ही जय जयकार है और प्रभास इन सारी तारीफों के हकदार भी हैं। ना सिर्फ प्रभास ने अपनी जिंदगी के 5 साल बाहुबली को दिए बल्कि बाहुबली के लिए प्रभास ने 10 करोड़ रुपए और 6,000 शादी के रिश्तों को भी ठुकरा दिया। वेल, बाहुबली द बिगनिंग के रिलीज के बाद से ही प्रभास के पास मानो ब्रांड एंडोर्समेंट ऑफर्स और मैरिज प्रपोजल्स की जैसे बाढ़ आ गई, पर प्रभास किसी भी और ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे और नतीजा हमारे सामने भी है। ना सिर्फ उनके जबरदस्त एक्टिंग की हर तरफ चर्चा हो रही है बल्कि उनके दमदार अभिनय की वजह से बाहुबली 2 द कंक्लूजन बन गई है बिगेस्ट मोशन पिक्चर एवर। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान तो जैसे कलर्स के बिग बॉस के लिए इररिप्लेसिबल होस्ट हैं, वही नागिन फेम एक्ट्रेस मौनी रॉय भी कलर्स की दूसरी चमकता हुआ सितारा है। जब कभी भी मौनी बिग बॉस के सेट्स पर सलमान खान के साथ नजर आए हैं, हर बार हम यही आशा करते हैं कि काश मौनी और सलमान एक साथ किसी फिल्म में नजर आएं। पर अब लगता है हमारी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान जल्द ही मौनी को अपने होम प्रोडक्शन फिल्म से लॉन्च करने वाले हैं। वेल, सलमान को मौनी में वही स्पार्क दिखता है जो उन्हें दबंग से पहले सोनाक्षी में दिखाई दिया था। कहीं सलमान और मौनी दबंग 3 में साथ तो नहीं आ रहे, या फिर सलमान उन्हें सिर्फ SKF प्रोडक्शन से लॉन्च करेंगे। वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। इंडिया में दंगल की रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, पर अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट चल पड़े हैं चाइना में भी अपना जादू चलाने। 5 मई 2015 को आमिर स्टारर फिल्म दंगल चाइना में रिलीज होगी। इसके चलते देख सल्लू भाई भी कहां पीछे रहने वाले हैं। सलमान स्टारर फिल्म ट्यूबलाइट 25 जून 2017 को चाइना में रिलीज होगी। मूवी में मुख्य भूमिका निभा रही जुजू चाइना की लोकप्रिय स्टार हैं और सलमान खान के साथ उनका बॉलीवुड में डेब्यू है। एडिंग टू दिस, मूवी को चाइनीज लैंग्वेज में भी डब किया जाएगा। डायरेक्टर कबीर खान अपनी फिल्म की मार्केटिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखते हैं सल्लू भाई का जलवा कैसे चाइना में भी चलता है। अपने विचार हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में और ऐसे धमाकेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। देश के जाने माने सितारों को पीछे छोड़ क्या बाहुबली एक्टर प्रभास बन चुके हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार, भाई लोगों का तो यही मानना है। आखिर प्रभास की फिल्म बाहुबली ने एक ही दिन में 100 करोड़ की कमाई कर इतिहास बना डाला है।
फिल्म की ऐसी धमाकेदार शुरुआत देखकर हम कह सकते हैं कि प्रभास ने बॉलीवुड के तीनों खान्स को पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पे अपना डंका बजा दिया है। खुद कंट्रोवर्शियल क्यारके ने अपने ट्वीट में प्रभास को तीनों खान से बेटर बताया और बॉलीवुड के बाकी डायरेक्टर्स को भी फिल्म से सीख लेने को कहा। अब देखने वाली बात यह है कि बाहुबली के बाद प्रभास बॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमा पाते हैं या नहीं। क्या वो बनेंगे बॉलीवुड के अगले बेताज बादशाह? क्या वो अकेले ही तीनों खान्स पे भारी पड़ने में कामयाब हो पाएंगे? अपने विचार बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और भी मसालेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। 64th नेशनल अवार्ड फंक्शन पर अक्षय कुमार को रुस्तम में अपने बेहतरीन अदाकारी के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। यहां अक्षय अपने परिवार समेत दिखाई दिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों अक्षय को ये सम्मान दिया गया और उस पल उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटे आरव के चेहरे से उनकी खुशी का पता चल रहा था। वाकई ये उनके परिवार और उनके फैंस के लिए बड़े गर्व की बात है। यहां अक्षय ब्लैक पठान कोट सूट में दिखाई दिए और उनका पूरा परिवार इस दिन एथनिक आउटफिट्स में दिखाई दिया। Well, हम आशा करेंगे कि अक्षय भविष्य में ऐसे ही कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स से हमें इंस्पायर करते रहें। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। बाहुबली में अवंतिका का किरदार निभाने वाली तमन्ना भाटिया को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें बाहुबली की तरह बाहुबली 2 में भी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन स्पेस दिया जाएगा, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बाहुबली 2 द कंक्लूजन के लिए तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी तमन्ना को सिर्फ फिल्म के आखिरी 20 मिनटों में ही दिखाया गया। इसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वेल, बाहुबली 2 में पूरा फोकस प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और राम्या कृष्णन पे था। जिन कुछ सीन्स को तमन्ना ने शूट किया था उसे भी एडिटिंग के वक्त काट दिया गया। सोर्सेस के मुताबिक इस बात को तमन्ना फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली से काफी गुस्सा थी। कुछ दिनों पहले तमन्ना और एसएस राजामौली में अनबन की खबरें भी आई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। 2 साल के इंतजार के बाद खुलासा हो ही गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वैसे इस सवाल को जानने का इंतजार दर्शकों ने 2 साल तक किया और जो आप जान चुके हैं उनके आगे अब एक और बड़ा सवाल आ गया है। सवाल ये है कि क्या बाहुबली 3 भी आएगी और अगर हाँ तो कब? दरअसल फिल्म में कई ऐसी बातें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि बाहुबली फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट भी बन सकता है। एंड में कास्टिंग आने के समय एक बच्चे की आवाज आती है कि क्या महेंद्र बाहुबली अब राज करेंगे आगे? ऐसे में बाहुबली वाले सन्यासी बोलते हैं कि ये शिव की मर्जी है, आगे मैं क्या जानूं? और फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने तो इस बात से काफी बार इनकार किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बाहुबली 3 बनेगी? हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बताइए। एसएस राजामौली की एपिक हिस्टोरिकल फ्लिक बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने तोड़ दिया है सलमान खान का सुल्तान रिकॉर्ड। बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 द कंक्लूजन से उठा तूफान 2 दिन के अंदर अंदर 223 करोड़ की कमाई कर चुका है और बन गया है इसी के साथ इस साल का फास्टेस्ट 200 करोड़ ग्रोसिंग फिल्म। पिछले साल सलमान खान की सुल्तान 7 दिनों के अंदर 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके बन गई थी पिछले साल की फास्टेस्ट 200 करोड़ ग्रोसिंग फिल्म। पर प्रभास और राणा दग्गुबाती स्टार बाहुबली ने जैसे सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कसम खा ली है। तभी तो लगभग सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स इस बाहुबली तूफान के सामने छोटे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।
बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने तकरीबन रिलीज के पहले से ही इतिहास रचना शुरू कर दिया था और अब रिलीज के बाद इस तेलुगु फिल्म ने इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपनी जगह बना ली है। इस तेलुगु फिल्म के सामने बॉलीवुड के दिग्गज फिल्में भी अब शिशु सी साबित होती हैं। लेकिन अगर ये फिल्म तेलुगु में नहीं बल्कि हिंदी में बनती तो कौन से बॉलीवुड स्टार्स इस फिल्म के किरदार में सही बैठते? आपके इस सवाल का सही जवाब लेकर आया है बॉलीवुड स्पाई। महेंद्र बाहुबली के किरदार में सलमान खान। बात जब बाहुबली की हो रही हो तो ऐसे में सबसे पहला नाम महेंद्र बाहुबली और शिवादू का ही आता है। इसी किरदार में सलमान खान से ज्यादा और कौन भला अच्छा लग सकता है। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ही बाहुबली के इस महिमामयी किरदार में 4 चांद लगा सकते हैं। वीर में कुछ हद तक ऐसे ही योद्धा का किरदार निभा चुके सलमान ही महेंद्र बाहुबली के किरदार के लिए सही चॉइस है। भल्लल देव के किरदार में अक्षय कुमार। अगर सलमान खान ही बाहुबली बनेंगे तो तब भल्लल देव भी उनके टक्कर का होना चाहिए। खिलाड़ी कुमार से ज्यादा क्रूर भल्लल देव के किरदार को और कौन अच्छे से निभा सकता है? देवसेना के किरदार में प्रियंका चोपड़ा। हीरो और विलन के बाद अब बारी आती है हीरोइंस की और देवसेना के किरदार में ना सिर्फ हद खूबसूरत बल्कि एक्शन सीक्वेंस से लेकर रोमांस सीक्वेंस तक 4 चांद लगा देने वाली किसी हीरोइन की जरूरत है और इस जरूरत को प्रियंका चोपड़ा से ज्यादा और कौन अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है? अवंतिका के किरदार में कैटरीना कैफ। देवसेना के बाद बारी आती है अवंतिका की और उस एंजेलिक ब्यूटी को सिर्फ और सिर्फ कैटरीना कैफ ही डिफाइन करती। कटप्पा के किरदार में मिथुन चक्रवर्ती। बाहुबली के सबसे अहम किरदार कटप्पा को मिथुन चक्रवर्ती के अलावा कोई और इंसाफ नहीं कर पाएगा। रानी शिवगामी के किरदार में माधुरी दीक्षित। महिष्मती की रानी शिवगमी का किरदार जैसे रम्या कृष्णन के लिए ही बना हो पर इस किरदार को बॉलीवुड में हमारी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित से ज्यादा और कौन इस लेवल तक ले जा सकता है? लज्जा और मृत्यु दंड जैसी फिल्मों में प्रतिबद्धी किरदार निभाने वाली माधुरी दीक्षित ही बॉलीवुड में इस किरदार को निभाने की हकदार है। बिज्जाला के किरदार में अनुपम खेर। और बिज्जाला के किरदार में अगर अनुपम खेर हो तो क्या कहने। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आपको लगता है कोई और एक्टर हैं जो इन किरदारों को ज्यादा अच्छे से निभा पाएं? हमें बताएं, कमेंट करें और डिस्कशन ज्वाइन करें। और भी मसालेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे।